हेलो जी, क्या हाल आप सबका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो जी ग्रेट प्लान कॉलेज के बारे में, जो कि स्कैचुन में लोकेटेड है। कॉलेज की सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपको मेरी कोई भी बात क्लियर समझना है तो प्लीज़ एक बार आप नीचे देख लीजिएगा। इसकी एप्लीकेशन फ़ीस है जी 125 कैनेडियन डॉलर्स, एंड आई की रिक्वायरमेंट है 6.5 ओवरऑल, एक में 5.5 एक्सेप्टेड है। ट्यूशन फ़ीस की रेंज कोर्स टू कोर्स वेरी करती है, बट मिनिमम 13,000 से लेकर 18,000 पर ईयर तक जाती है। ठीक है जी, फॉर जैन 22 इनटेक ओपन है। प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट सर्टिफिकेट, ठीक है, और फिर है बिजनेस डिप्लोमा एंड केयर कंटिन्यू असिस्टेंट सर्टिफिकेट प्रोग्राम। तो अगर आप यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं बेसिकली, तो प्लीज़ अपने सारे डॉक्यूमेंट प्रॉपरली स्कैन करा के हमें ईमेल कर दीजिए। ईमेल आईडी हमें हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। एंड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पर कमेंट करते हो, तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि अगर आप हमारा इंस्टाग्राम फॉलो कर लें, वहाँ पर मैं डेली मंडे टू फ्राइडे 9:30 बजे के आसपास लाइव होता हूँ। ऑन द लाइव आप डेली बेसिस पर चीज़ें पूछ सकते हो, बहुत सारी चीज़ें आप जो कमेंट करते हो उनके इन कमेंट मैं उनको अच्छी तरीके से शायद समझा नहीं सकता हूँ, या थोड़ा मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। अगर आप ज्वाइन कर लें तो इट्स मच कन्वीनियंट फॉर मी ऑल्सो, या फिर आप DM भी कर सकते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर रिप्लाई करना थोड़ा ईजी रहता है। कमेंट्स इज समथिंग जो मैं रिप्लाई ठीक से नहीं कर पाता, बिकॉज इट्स लाइक अ कन्वर्सेशन शुरू हो जाती है। आपने कुछ पूछा, जब मैं देखूंगा तब रिप्लाई करूंगा, उसके बाद आप कुछ और पूछेंगे, बट ऑन द लाइव बेसिस आप डेली चीज़ें पूछ सकते हैं। और वैसे भी हमारे प्रीवियस लाइव भी सेव रहते हैं, और हम Q&A भी जो होता है वो भी सेव रहता है, तो मोस्टली जो आप चीज़ें पूछते हैं उनका ऑलरेडी रिप्लाई हो ही चुका होता है, तो इट वुड बी वेरी कन्वीनियंट फॉर यू। एंड मैं रेगुलरली इतनी वीडियोज़ बना नहीं पाता हूँ, आप भी थोड़ी सी बनी, उसके बाद मे बी आई विल गेट बिजी अगेन। तो अगर आप वहाँ पर फॉलो कर लें, इट वुड बी मच कन्वीनियंट, क्योंकि यहाँ पर पोस्ट बनाना वीडियो थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। इंस्टाग्राम पर मैं रेगुलरली पोस्ट करता रहता हूँ, जो जो कॉलेजेस ओपन होते हैं तो आप फॉलो करना ना भूलिएगा। एंड अगर ये आपको वीडियो ठीक लगी है, आपके कुछ हेल्पफुल लगी हो, एक चीज़ मैं बता देता हूँ थोड़ी सी जो मैं भूल गया, मुझे अभी याद आया, दैट वॉज के कोर्सेज जो अवेलेबल हैं। देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट सर्टिफिकेट एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम है, बिजनेस डिप्लोमा ये बेसिकली अंडर ग्रेजुएट लेवल का प्रोग्राम है। इसमें आप किसी ने कॉमर्स की है उनके लिए काफ़ी ठीक रहेगा ये प्रोग्राम। फिर आ जाता है कंटिन्यूइंग केयर असिस्टेंट सर्टिफिकेट, अगर आपने किसी बच्चे ने साइकोलॉजी पढ़ी है और उसके रिलेटेड अगर आपने ग्रेजुएशन की है तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। या फिर बेसिकली अर्ली चाइल्डहुड जिन्होंने की होती है, अगर कोई सेकेंड प्रोग्राम शिफ्ट करना चाहता हो तो यहाँ पर कर सकता है। एंड अगर आपने अप्लाई करना हो तो प्लीज़ हमें ईमेल कर दीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी मेंशन है। एंड अगर आपको वीडियो ठीक लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एंड एक चीज़ और मैं बोल देता हूँ जाते जाते, तो आपको एक्चुअल में हेल्प करेगी वो है, अगर आपको वीज़ा चाहिए एंड ऑफ द डे आप वीज़ा तक अपनी सोच रखते हो, क्योंकि ऑब्वियसली इट इज़ बट ऑब्वियस, आप इसीलिए फॉलो करते हो, इसीलिए आप ढूंढते हो आपको वीज़ा की चाहिए क्या आ जाए। फोकस ऑन योर कोर्स सिलेक्शन, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू कैन डू। आप IELTS को लेकर कन्फ्यूज़ होते रहते हो, मोस्टली बच्चे रिफ्यूज़ हो जाते हैं, मेरे एक में 5.5 थे रिफ्यूज़ हो गया, मैंने फलाने फलाने एरिया में लगा दिए थे इसलिए रिफ्यूज़ हो गया, मैंने नॉन SGs में फाइल लगाई थी इसलिए रिफ्यूज़ हो गया। एक्चुअली नहीं होता ऐसे, आपकी कोर्स की सिलेक्शन सही होनी चाहिए। अगर वो सही है, आप SGS में फाइल करो, नॉन SGS में करो, आपका वीज़ा अप्रूव हो जाएगा। अगर आप वहाँ पर गलती कर दोगे तो जो मर्जी करे जाओ नहीं होगा, तो जस्ट फोकस ऑन दैट एंड आई थिंक 90% ऑफ द काम आपका वैसे हो जाएगा। ठीक है जी, बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।